हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद ही खास त्योहार है, क्योंकि ये त्योहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चावला। और मैं हूँ मेघा चंदन। और आज हम आपको बताएंगे कि इस साल रक्षाबंधन का उत्तम मुहूर्त क्या है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा होने की वजह से इसकी तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना सही होगा, 30 या फिर 31 अगस्त। आइए जानते हैं इसका सही मुहूर्त और डेट क्या है। हर साल सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्र का साया है। जानकारी के अनुसार इस बार राखी का पर्व 30 और 31 अगस्त 2023 दोनों ही दिन मनाया जा सकेगा। बता दें कि 30 अगस्त 2023 को भद्रा रात 9:02 तक रहेगा, इसके बाद ही आप राखी बांध सकते हैं। पंचांग अनुसार 30 अगस्त को राखी बांधने के लिए रात 9:03 के बाद का समय शुभ होगा। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में जो लोग रात में राखी नहीं बांधते हैं, वे अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 से पहले तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस दिन सुबह इसी समय समाप्त हो जाएगी। खास बात यह है कि 31 अगस्त को भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये रिश्ता बहुत पवित्र धागे से बांधा होता है। ऐसे में भाई के लिए राखी लेते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि राखी का धागा काला ना हो, इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं बना होना चाहिए। राखी खरीदते समय ये भी ध्यान रखें कि इस पर देवी देवता की तस्वीर ना बनी हो। रोजाना के कामों में हम पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते, ऐसे में इस तरह की राखी बांधने के लिए भगवान का अपमान हो सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि आप इस बार किस शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त के दौरान ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। ऐसे अपडेट्स और रोजाना अपना राशिफल जानने के लिए आप देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।